हेलो दोस्तों, मैं हूँ अशरफ अली, आपका दोस्त। टेक्निकल टैक्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप किस तरीके से उठा पाएंगे और जिन जिन लोगों ने अभी तक इनको अप्लाई नहीं किया है वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको फ़ायदा दे सकता है और इसमें आपको किस तरीके से लोन मिल सकता है या फिर प्रधानमंत्री के आवास योजना के तहत आपको इसका लाभ किस तरीके से मिल सकता है। तो इस वीडियो में बस मैं यही बताऊंगा कि इन किन किन को लाभ मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, क्या इसमें होना चाहिए, क्या दस्तावेज़ होना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो में कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके बारे में बताऊँ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ अली, आपका दोस्त। टेक्निकल टैक्स में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन उठा सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ? प्रधानमंत्री का लाभ उठाने के लिए आवेदक को 21 से 55 साल होनी चाहिए। हालांकि अगर परिवार के मुखिया या आवेदक की उम्र 50 से अधिक है तो प्रमुख कानूनी वारिस को होम लोन में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए कानून कितनी आमदनी होनी चाहिए? EWS यानी कि निम्न आर्थिक वर्ग के सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए तक है। LIG कम आय वर्ग के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। सालाना 12 लाख से 18 लाख तक आमदनी होने वाले भी पे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। आय का प्रमाण, वेतन पाने वाले लोगों के लिए वेतन प्रमाण पत्र फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR होना चाहिए। अपना काम करने वाले लोगों के लिए 2.5 लाख रुपये तक का सालाना आमदनी के लिए आय प्रमाण पत्र के रूप में हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर आमदनी 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो उसके लिए प्रस्तुत और दस्तावेज होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी? 6% के क्रेडिट लिंक सब्सिडी सिर्फ 6 लाख रुपए तक के लोन पर उपलब्ध है। वहीं 12 लाख रुपए तक के सालाना कमाई करने वाले लोग 9 लाख रुपए तक के लोन पर 4% यानी कि सब्सिडी उपलब्ध है। इसी तरह 18 लाख रुपए तक के सालाना कमाई करने वाले लोग 12 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी सब्सिडी की रकम, प्रधानमंत्री आवास योजना में ब्याज पर मिलने वाले सब्सिडी ब्याज की रकम का वास्तविक और सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी। यह ब्याज सब्सिडी की रकम पर नेट प्रोजेक्ट वैल्यू यानी NPV होगी। सालाना आमदनी के हिसाब से ब्याज पर सब्सिडी की रकम इस ग्राफ के द्वारा आप देख सकते हैं जो निम्नलिखित है। जैसा कि इन दोनों चार्ट में दिखाया गया है कि 6 से 12 लाख और 12 से 18 लाख में कितना परसेंट लगेगा, क्या क्या चार्जेस लग जोड़ रहे हैं, आप 20 साल में ये कितना कितना का रिकवर करना है, सारा कुछ इस पर दिखाया गया है। ऐसे मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी का लाभ। होम लोन लेने के लिए संस्था सब्सिडी के लिए बात करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर मंजूरी मिल गई तो एजेंसी सब्सिडी की रकम कर्ज देने वाले बैंक को दे देगी। यह रकम आपके लोन अकाउंट में आ जाएगी, डाल दी जाएंगे। अगर आपकी सालाना आमदनी 7 लाख रुपए है और लोन की रकम 9 लाख रुपए है तो आपकी सब्सिडी 2,35,000 रुपये बनेगी। इसे घटने के बाद आपके लोन की रकम 6,65,000 रुपये बचेगी। आप इस रकम पर मासिक किस्त भरेंगे। अगर लोन की रकम आपके सब्सिडी के योग से अधिक है तो अधिक रकम पर आपको सामान्य दर से सब्सिडी ब्याज चुकाना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में
क्या सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तव में होम लोन पर ब्याज की दर 9% से भी अलग हो सकती है। इस समय MCLR पर आधारित होम लोन की दरें 8.5% से करीब है। इस वजह से ब्याज की दर मासिक किस्त में कम हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए योग्यता संबंधित मसले चेक कर लें। अगर आपके पति पत्नी या बच्चे के नाम से देश में कहीं भी कोई पक्का मकान है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इस योजना का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑनलाइन फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना का कैसे भरेंगे इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए अगले वीडियो को आप जरूर देखें।